हेलो गाइस, होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं प्रज्ञा, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से वीडियो में। तो होप आप सभी बढ़िया होंगे, एंट्रेंस की कर रहे होंगे तैयारी ये जान से। तो रेड बटन नीचे दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करिए और अपडेट रहिए, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस ली एग्ज़ाम क्रैक करिए और एडमिशन लीजिए। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ यूजी वालों का, बहुत कम टाइम रह गया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं भाई, तुरंत करना होता है, एक रात में एंट्रेंस फोड़ना है, दो एक दिन में फोड़ना है, दो दिन में फोड़ना है, ठीक है। तो आज बेसिकली जब ये वीडियो आप लोगों को मिल रहा होगा, मैं भी एक दो दिन आप लोगों का बचा हुआ एंट्रेंस में। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्विकली चीज़ों को करना है, उसका मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए, पीछे मेरे लिखा हुआ है सिलेबस, जो भी मेन मेन कोर्स हैं यूजी के। और अगर किसी भी अलग कोर्स से आप करना चाहते हैं, जैसे BFA वो वगैरह छूटे हुए हैं, और उसका छूटा हुआ है, एक दो कोर्स और छूटे हुए हैं, ठीक है। अगर उनका उनमें से आपका है डी फार्मा वगैरह आप लोगों का है, तो कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं वहाँ पे उसका सिलेबस प्रिंट कर दूंगा, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर हम लोगों का है BA। अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, बेसिकली NEP में होगा। ऑनर्स अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया, जो 4 ईयर वाला होता था, अब 4 ईयर में NEP में होने लगा है। NEP का मतलब क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो होगा, 4 साल का आपका ग्रेजुएशन होने वाला है, विथ डिग्री, विथ रिसर्च आप लोगों को मिलेगा। तो उसके लिए बेसिकली क्या सिलेबस है, कॉमन सी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। GK GS भी इसमें जोड़ लीजिए थोड़ा सा, मैं भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका कोई लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिकली डिफर करता है थोड़ा सा, तो इतनी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। 10+2 लेवल का ये आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और BCom में ऐसे ही, BCom में क्या है, BCom में मेंटल एबिलिटी और कॉमर्स वगैरह तो आपको आना चाहिए, इकोनॉमिक्स आना चाहिए, इकोनॉमिक्स और यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स आना चाहिए आपको, और कंप्यूटर साइंस, ये भी 10+2 लेवल का आप लोगों को इतना GK अवेयरनेस वगैरह, ये समझ लीजिए आप कोई भी इंट्रेंस आप देने जा रहे हैं, 3 चीज़ें आप जरूर रखिए, GK GS रखिए, रीजनिंग रखिए अपना, और कंप्यूटर साइंस रखिए। ये बेसिकली सभी में है, अगर देखा जाए बेसिकली आई थिंक इसको छोड़ के सभी में, कंप्यूटर्स में भी है, कंप्यूटर्स में भी है। तो BSc मैथ की अगर बात करें, तो अगर आप मैथ से करने जा रहे हैं, तो आप PCM का करके जाइए, PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप BSc मैथ से करने जा रहे हैं, ठीक है, BSc मैथ से आप करने जा रहे हैं, तो आप PCM करके जाइए। और BSc अगर जूलॉजी करके जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस करके जाइए, ठीक है। और कैसे करके जाना है, कहाँ से करके जाना है, ये छोटी सी मैं आप लोगों को ट्रिकें दे देता हूँ, कहाँ से आपको पढ़ के जाना है और कैसे आप इजीली वे में कर सकते हो, ठीक है। तो LLB 5th ईयर का है, लीगल की जो लीगल जनरल अवेयरनेस जो होने लगती है, लीगल वाला जो लॉ वगैरह से चीज रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको आनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग और GS आपको आनी चाहिए। BBA वगैरह में क्या है, GK GS, रीजनिंग, CS और रीजनिंग, बेसिकली रीजनिंग, GK GS और कंप्यूटर साइंस बेसिकली सभी में है, ठीक है, इतना आपको करके ही जाना है, ठीक है, बेसिकली सारे में है, कंप्यूटर साइंस भी मोस्टली सभी में है, और GK जब BSc वगैरह को छोड़ के, ठीक है। और जो भी कोर्सेस यहाँ पर बचे हैं वो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं वहाँ पर जाके आप लोगों को पिन कर दूंगा। ये हो गई इतनी बात, अब आपको करके कैसे जाना है, ठीक है। तो अब बुक पढ़ने का तो टाइम आप लोगों के पास होगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें देख लीजिए। सबसे आप अगर फोकस कर सकते हैं, और बेसिकली जो आप लोगों को वो भेजे गए थे, मैंने उस पर भी डाले थे टेलीग्राम वगैरह पर, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आप देख के जाइए, उससे आपको लेवल पता चल जाएगा क्या लेवल है, ठीक है। तो अगर आप वही क्वेश्चन अगर आप करके चले जाएंगे, तो आप लोगों को लेवल हो जाएगा और प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी जल्दी, इजी वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप जरूर करके जाइए और टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए। और अगर आप लोगों को नहीं होता है, तो जो टीम मेंबर वहाँ पर हैं उनको आप पर्सनल भी मैसेज करके आप बोल सकते हैं, हम लोग डाल देंगे, ठीक है, या कमेंट करके बोल दीजिए, जिस किसी का भी आपको सैंपल पेपर नहीं मिल रहा है, ठीक है, UG का हो चाहे PG का हो, ठीक है, तो उसका कर दीजिए, तो वो आपसे आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की, ठीक है। और क्विकली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने मॉडल पेपर कर लिए हैं, ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर काफ़ी सारी चीज़ें आने लग रही होती हैं, तो इसमें से जो भी टॉपिक आपको बताए गए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह बताया गया, तो इंग्लिश में बेसिकली इंग्लिश ग्रामर वगैरह आ जाता है, ज्योग्राफी में बेसिकली कॉमन रहेगा, ठीक है। और हिंदी का मैं भी कंफर्म नहीं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले वो होते हैं, बेसिकली किसी ने हिंदी पढ़ी होती है नहीं पढ़ी होती है, तो हिंदी का पता नहीं हिंदी आता है कि नहीं आता है, हिंदी उसमें मेंशन था मैंने डाल दिया, ठीक है। इंग्लिश आप कर लीजिए, ज्योग्राफी वगैरह, GK GS ऐसा सारी चीज़ें करके जाइए, और GK GS का एक दिशा करके आता है, या आपको GK GS का करना है तो
किसी भी उस पर चले जाइए, यूट्यूब चैनल पर चले जाइए आप, और उस पर जाके डालिए अपना पूरा 5-6 महीने का, जनवरी से लेके अभी तक का कर लेंगे, अगर जून तक का भी आप कर लेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि पेपर तुरंत ही नहीं बन रहा होता है, 1 महीने पहले का भी आ सकता है। तो जैसे ही अभी आप लोगों का इस सेमेस्टर इसमें होने लग रहा है आप लोगों का एग्ज़ाम, तो आप समझिए बेसिकली आप लोगों का जुलाई अगस्त तक आ सकता है करंट अफेयर वगैरह, अगर जीके जीएस की बात करें, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। तो जुलाई जून उससे जनवरी से लेके कर लीजिएगा, एक वीडियो पूरा डालिए, ठीक है, आ जाएगा यूट्यूब पर पूरा 6 मंथ का आ जाएगा, एक ही में 2-3 घंटे का होगा, वो आप देख लीजिए, जीके जीएस आपका कवर हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए क्विकली क्लास करिए, ठीक है, एक टॉपर करके ऐप है, उसकी क्लासें चल रही होती हैं, बेसिकली ऐप है ये, तो ठीक है, इसमें भी रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, टॉपर करके एक होता है, ठीक है, और भी ऐप हैं काफ़ी सारे, तो आप उनसे रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन करिए जितने से जितने ज़्यादा हो सके, और एंट्रेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, आई थिंक और बेसिक, और वो आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो खुल के लगा के आइए, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें भी तुक्का मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये इतनी बात हो गई है। और आपको अगर जैसे बुक वगैरह अगर आप लोगों को देखना है, तो बुक वगैरह का डिस्क्रिप्शन मैंने उसमें दिया है, लेकिन बेसिकली बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आप परचेज करेंगे और 1-2 दिन बचा है, तो बुक पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा लीजिए, ठीक है, मैंने ये बता दिया है टॉपर करके, और भी काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं, जैसे अड्डा का आने लग रहा है, अड्डा 24/7 करके, इसकी कुछ चीज़ें फ्री में अवेलेबल रहती हैं, ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, बेसिकली यूट्यूब वीडियो से आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, और रीजनिंग का भी कर लीजिए, उससे भी आप लोगों का हो जाएगा, बेसिक चीज़ें आती हैं, ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता है, कंपटीशन का लेवल नहीं होता है, बेसिक चीज़ें देते हैं, ठीक है, इतना भी टफ नहीं आता है, तो आप लोग होपफुल आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो फिर इस वीडियो में आई थिंक मैं भी सारी चीज़ मैंने कवर कर दी है सिलेबस के अबाउट में, ये यूजी के लिए था, ठीक है, पीजी का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोगों को वीडियो मिल गया होगा, मैं भी, तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, अगर कोई अपडेट होगी तो तुरंत अपडेट दूंगा आप लोगों को, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।